एक टैंकर का अज्ञात चालक जिसने अपनी जिंदगी को दाव पिरक हिंदुत्व में पूजनीय और गो माता नाम से पुकारे जाने वाले एक पशु को अपनी जान पर खेल मरते मरते बचाया, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम होगा। यह खबर उन लोगों के लिए एक सीख है जो पशुओं का इस्तेमाल कर उन्हें मरने के लिए दर दर की ठोकर खाने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं। देखिए ये वायरल वीडियो। यह मामला है गुजरात के जिला जूनागढ़ इलाके का, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और सड़क पर गाय यूं ही चले जा रही है, वहीं अचानक से तेज रफ्तार में सामने की तरफ से आता हुआ एक टैंकर दिखाई दे रहा है। गाय को बचाने के लिए टैंकर चालक अपनी जान की बाजी लगा देता है और टैंकर चालक अचानक से ब्रेक मार पूरी गाड़ी को सड़क पर ही घुमा देता है और गाय को मरते मरते बचा लेता है। जिस हिसाब से आपने देखा कि लोग लावारिस गायों को यूज करते हैं और उसे सड़क पर छोड़ देते हैं, और किस प्रकार से ट्रक ड्राइवर ने बेचारी गाय को बचाने के चक्कर में पूरा ट्रक अपना घुमा दिया है। तो गाय को अगर पालना है तो घर पर पालें, उसे लावारिस समझ के ना छोड़ें। गाय को जैसे हम लोग बांध के रखते हैं, यहाँ पे हरा चारा डालते हैं और गाय को ही सेवा करते हैं। जगह जगह भारत सरकार ने गौशाला खोल रखा है, तो जहाँ तक है गायों को घर में बांध के रखें और उसकी यथासंभव सेवा करें। वो धन्यवाद का वो है, भागी है, और उसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने गौ माता की जान बचाई। हमें उन लोगों से अनुरोध है जो अपनी गाय जो है सुबह छोड़ देते हैं रोड पर चलने के लिए और रास्ते में ड्राइवर बचा रहे हैं, उनको भी दोष दिया जाए ये गलत है। इस गलत काम, इस कृत्य के प्रति गो रक्षा समिति कभी भी दोषी नहीं है। पहले उसके लिए भी कानून बने कि जो गाय छोड़ के रोड पे छोड़ दे रहे हैं उनको बिल्कुल ना बख्शा जाए, ड्राइवरों को सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यह सारा मामला वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है। इससे साफ है कि गाय के प्रति लोगों में कितना लगाव है। गौरव रावत के साथ प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।